हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का साइंस का चैप्टर थर्टीन जो कि है वाई डू वी फॉल इल उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए सबसे पहला क्वेश्चन है वर्ड डज डब्ल्यू एच ओ स्टैंड फॉर तो इसका आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो एक यूनाइटेड नेशन का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मॉनिटर करता है हेल्थ रिलेटेड इशू को वर्ल्ड वाइड नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनी ऑफ द पीपल सफ़र फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एक्नेज एंड फील ऑफ द अगली स्किन टेक्सचर कॉज ड्यू टू द एक्ने स्पोर्ट्स कैन यू गेस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग दिस एक्ने यस वी कैन एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्टेफिलोकोकस इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो एक्ने हो जाते हैं कुछ लोगों को वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं तो ये होता है स्टेफिलोकोकस नामक माइक्रो ऑर्गेनिज़्म से नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रोब दैट लिव्स एंड रिमेन्स एक्टिव इनसाइड द होस्ट सेल तो इसका आंसर है वायरस वायरस एक ऐसा डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब है जो कि अगर किसी होस्ट सेल के अंदर रहेगा तभी एक्टिवली परफॉर्म करेगा वरना वो इनएक्टिव डोरमेंट स्टेट में रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एच तो इसका आंसर है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशेंसी वायरस और ये वायरस अटैक करता है सीधा ह्यूमन के इम्यून सिस्टम पर ये इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा कमजोर कर देता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ द इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी तो इसका आंसर है 45 फाइव टू वन एटी फाइव डेज इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब जब कोई पर्सन किसी वायरस या किसी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संक्रमित होता है उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो अपने अंदर लक्षण महसूस कर सकता है उस वायरस या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के होने के तो इस दिनों के गैप को हम बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स तो इसका आंसर है अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशेंसी सिंड्रोम और एड्स का साइन आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते होंगे अगर कोई पर्सन एच वायरस से संक्रमित हो जाता है तो उसकी जो लास्ट स्टेज होती है जिसमें उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है उस वायरस के इन्फेक्ट होने के बाद तो उसकी जो लास्ट स्टेज होती है उसी को हम बोलते हैं एड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेंस्ट वट डिजीज़ बीसीजी वैक्सीन इज़ गिवन तो इसका आंसर है ट्यूबर और ट्यूबर अफेक्ट करता है लंग्स को नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज़ कोलेरा ट्यूबर क्लोसिस एंथरेक्स इन्फ्लुएंजा तो इसका आंसर है इनमें से इन्फ्लुएंजा क्योंकि इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज़ है ना कि बैक्टीरियल डिजीज़ और जो फ्लू होता है वो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण फ्लू के अंदर जो अफेक्ट होने वाले ऑर्गन्स हैं वो है नोज थ्रोट और लंग्स नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओ तो इसका आंसर है ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन और ये बचपन में दी जाती है पोलियो को प्रिवेंट करने के लिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो ऑप्शन है ब्रेन फीवर मलेरिया टाइफाइड और डेंगी तो इसका आंसर है टाइफाइड क्योंकि जो टाइफाइड है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये बैक्टीरिया के कारण होता है जो कि फैलता है कंटेमिनेटेड फूड से और ड्रिंकिंग अन वाटर से टाइफाइड ऐसे जगहों पर होती है जहाँ पर हैंड वॉशिंग की प्रॉपर सुविधा नहीं होती नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक यू इल इफ यू कम इन कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन मतलब इनमें से कौन सी इनफेक्शियस डिजीज़ है तो ऑप्शन है हाई ब्लड प्रेशर जेनेटिको ब्लड कैंसर तो इसका आंसर है स्नीजिंग अगला क्वेश्चन है डेफिशंसीटामिन कैन कोज जीरो तो इसका आंसर है विटामिन ए और जीरोफ्थेलमिया में आई बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट होती है इस डिजीज में आँखों के अंदर धब्बे आ जाते हैं और ये होता है कॉर्निया की ड्रेनेस की वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंगज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑप्शन है कॉमन कोल्ड चिकन पॉक्स च्यूइंग टोबैको और स्ट्रेस तो इसका आंसर है च्यूइंग टोबैको क्योंकि इसे चबाने से कैंसर का खतरा बना रहता है अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज ऑप्शन है डेंगी एड्स टाइफाइड इन्फ्लुएंजा तो इनमें से इसका आंसर है टाइफाइड क्योंकि एक बैक्टीरियल डिजीज है अगला क्वेश्चन है वट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी ई एम तो इसका आंसर है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज़ इज़ अ टाइप ऑफ तो इसका आंसर है क्रोनिक डिजीज़ क्योंकि दो तरीके की डिजीज़ होती है आपको पता होगा क्रोनिक डिजीज़ और एक एक्यूट डिजीज़ एक्यूट डिजीज़ शॉर्ट टर्म के लिए होती है और क्रोनिक डिजीज़ लॉन्ग टर्म के लिए होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स आर इन इफेक्टिव अगेंस्ट द वायरल इंफेक्शन फॉर ईच टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस इट्स ओन एंटी वायरल प्रोटीन दैट इज़ रिलीज फ्रॉम द इन्फेक्टेड एंड डाइंग हो पोस्ट सेल्स व्हाट इज़ दिस प्रोटीन कार्ड तो इसका आंसर है इंटरफेरोन। मान लीजिए अगर बहुत सारे वायरस अगर बॉडी में एंटर कर जाए तो उसके बाद जो सेल्स होते हैं बॉडी के वो इंटरफेरोन यानी बहुत सारे प्रोटीन प्रोड्यूस करने लग जाते हैं ताकि उनकी एंटी वायरल एबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाए और वायरस को किल कर पाएँ नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड इज़ अ टाइप ऑफ तो इसका आंसर है एक्यूट डिजीज़ क्योंकि जो टाइफाइड है अगर किसी पर्सन को हो जाता है और वो पर्सन मेडिसिन को सही तरीके से कंज्यूम करता है और न्यूट्रिशन को भी अच्छी तरीके से लेता है प्रॉपर अमाउंट में तो वो पर्सन सही तरीके से फिट एंड फाइनल हो सकता है छः से सात दिन में इसलिए हम इस डिज़ीज़ को बोलते हैं एक्यूट टाइप ऑफ डिजीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया इज़ कोज ड्यू टू आंसर है इसका प्रोटोजोआ मलेरिया डिजीज़ होती है प्लाज्मोडियम के कारण नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजीज़ दैट अफेक्ट्स आवर लंग्स इज डैश तो इसका आंसर है ट्यूबर क्लोसिज और ट्यूबर क्लोसिज एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू लिव इन एन ओवर क्राउडेड पुअरली वेंटिलेटेड हाउस इट इज़ पॉसिबल दैट यू मे सफ़र फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डिजीज़ तो इसका आंसर है एयरबोर्न डिजीज एयरबोर्न डिजीज़ जैसे कि एंथरेक्स चिकन पॉक्स और इन्फ्लुएंजा अगला क्वेश्चन है द डिजीज गोज ड्यू टू वो इज डैश आंसर है इसका फिलेरियासिस। फिलेरियासिस में जो लेग्स है वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाते हैं मतलब फूल जाते हैं वोम के कारण और ये जो वोम्स होते हैं वो होते हैं थ्रेड लाइक शेप के अगला क्वेश्चन है नेम द मिनरल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन आंसर है इसका आयरन हीमोग्लोबिन एक तरीके के प्रोटीन्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं रेड ब्लड सेल्स में हमारे ब्लड में चार तरीके के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि है डब्लू बी सी आर बी सी प्लेटलेट्स और प्लाज्मा आर बी सी यानी रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं डब्लू बी सी यानी वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं और प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स अगला क्वेश्चन है डिजीज़ कॉज्ड बाय फनजाई तो इसका आंसर है स्किन इन्फेक्शन इस डिजीज़ में स्किन बहुत ज़्यादा इची और रेड हो जाती है अगला क्वेश्चन है लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड डैश तो इसका आंसर है वॉइस वॉइस बॉक्स बॉक्स में वोकल कोड्स लगे होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारी स्पीकिंग में नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटोजोआ दैट तो इसका आंसर है लिशमेनिया काला आजार को हम विज लिशनिया से भी बोलते हैं इस डिजीज में जो लीवर है उसमें स्वेलिंग होने लग जाती है स्प्लीन के एनलार्जमेंट के कारण स्प्लीन एक तरीके का ऑर्गन है जो कि पाया जाता है वर्टिब्रेट्स में और ये हेल्प करता है ब्लड के अमाउंट को कंट्रोल करने में अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक वर्क अगेंस्ट डैश तो इसका आंसर है बैक्टीरिया अगला क्वेश्चन है हेडेक इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश डिजीज़ आंसर है इसका एक्यूट डिजीज़ क्योंकि जो हेडेक है वो कुछ समय के लिए होता है अगला क्वेश्चन है डिजीज़ वेयर माइक्रोब्स आर इमीडिएट कॉज आर कार डैश डिजीज आंसर है इन्फेक्शियस डिजीज़ क्योंकि जो ज़्यादातर डिजीज़ होती है माइक्रोब्स के कारण वो होती है इन्फेक्शियस टाइप ऑफ डिजीज़ तो ये थी आज की वीडियो वाई डू वी फॉल इल के एम सी क्यूज़ के बारे में आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल महादेवा द पिलर ऑफ सक्सेस को थैंक यू फॉर वॉचिंग